हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं थोड़ा सा यूनिक स्कूटर। सो जितने भी इंडियन मार्केट के अंदर स्कूटर्स हैं, उनमें ये वाला जो स्कूटर है मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा। मैं इस वक्त आया हूँ मोटोप्लेक्स जयपुर के अंदर और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक अलग टच का एक्सपीरियंस लेकर आएं। सो आप लोगों ने अगर नॉर्मल स्कूटर चला ली और आपको लगता है कि यार कुछ हटके एक अलग सा एक्सपीरियंस लेना है, तो आप लोग ले सकते हैं एप्रिला का ये वाला स्कूटर, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला ब्लॉग हम कौन सा बनाएं, और ऐसा ही प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर हम यूट्यूब पर आए हैं तो आप लोगों की वजह से, मगर इस प्यार को और बढ़ाओ, चैनल को सब्सक्राइब लोगों से भी करवाओ और साथ के अंदर बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसा कोई कॉन्टेंट मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं अद्भुत एप्रिला स्ट्रॉम 125 के एक्सपीरियंस को, कि जाने इस स्कूटर में ऐसा है क्या। सो दोस्तों, पेश करते हैं एप्रिला स्ट्रॉम 125। सबसे पहले एक तो भाई साहब, जितने स्कूटर रखे हैं ना, उनमें सबसे छोटे इंजन को होने के बाद में भी जिसका लुक अमेजिंग हो वो ये है। अब ये जो स्कूटर है, कुल मिला के आपके पास में दो कलर्स में मिल रहा होता है, रेड एंड येलो। सामने की तरफ हमारे रेड खड़ा है और ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैट कलर के अंदर आपको ये स्कूटर मिल रहा होता है। और सबसे पहले शुरू करते हैं, मतलब जिस चीज़ से मेरी नज़र नहीं उठ रही वो ये टायर है। देखा जाए तो 125 सेक्शन, जो भी सीसी इंजन के स्कूटर आपने देखे हैं, उसमें आपको 100 का टायर मिलता है। इसके अंदर आपको 120 का फ्रंट में टायर मिल रहा है, वो भी ऑफ रोड। सो जब आप फ्रंट के अंदर देखते हैं तो 120 ATR 12 का आपको फ्रंट के अंदर यहाँ पे टायर मिलता है। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ का टायर है। उसके साथ में यहाँ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। साथ के अंदर आपके पास में जो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको फ्रंट में मिलता है, कुछ इस प्रकार के अलॉय व्हील की डिज़ाइन। और जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे ही इस स्कूटर में आपको मिल रहा है 220 mm का डिस्क रोटर, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस ब्रेकिंग की भी तो आनी चाहिए। साथ के अंदर बाइब्रे जो ब्रांड है उसके आपको फ्रंट के अंदर यहाँ पर कैलिपर मिलता है, टू पॉट पिस्टन, और बड़ा ही यूनिक छोटा सा आपको यहाँ पर मडगार्ड मिलता है। जैसे आप ऊपर की तरफ देखोगे वैसे ही किसी एडवेंचर बाइक जैसा का जैसा आपको फ्रंट में बहुत बड़ी साइज की बीक मिलती है, जिसमें बीचों बीच जो होता है ना बंदूक से शॉट लगाते हैं, जैसे जैसा पॉइंटर आता है वैसे का वैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर एप्रिला के ट्राई कलर्स और उसके साथ में कुछ इस प्रकार का फ्रंट फेशिया। जब आप देखेंगे तो आपके पास में हैलोजन बेस फ्रंट के अंदर लाइट मिलती है, जिसके साथ में हैलोजन बेस ही आपको पार्किंग लाइट्स मिलती है। बहुत ही ज़्यादा यूनिक इसका टच है। मुझे लगता है बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने वाले भाई लोग इसको मल्टी कलर करवा देंगे। कमेंट करके मुझे बताना क्या आप भी उन लोगों में से एक हो। जैसे साइड में देखोगे वैसे स्ट्रॉम की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। नीचे की तरफ #BA Racer आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा और उसके साथ में कुछ इस प्रकार का डीकैल। जैसे ऊपर की तरफ आओगे वैसे ही एप्रिला की यहाँ ब्रांडिंग, उसके साथ में दोनों तरफ हैलोजन बेस इंडिकेटर्स और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक। जैसे आप इस तरफ आएंगे वैसे ही आपके पास में पैर रखने की प्रॉपर जगह, हल्का सा एरोडाइनमिक लुक, और पास से जब आप देखेंगे ना तो प्लास्टिक में भी आपको एक अलग सा टेक्सचर देखने को मिलेगा। सेम टाइम यहाँ पर जब आप देखेंगे तो अगर आप ग्रॉसरी में कुछ भी बैग वगैरह लेकर जाएं तो इधर उधर ना भागें, इसके लिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है। आगे की तरफ फ्लोर पे अच्छा खासा आपके पास में पहले तो ग्रिपी पैड है और आराम से आप पैर रखो। सेम टाइम पे ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। स्ट्रॉम का बड़ी बड़ी यहाँ पर भी आपको ब्रांडिंग, अच्छी खासी फ्लफी सीट, यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। अभी चाबी लगाकर अंदर का स्पेस भी दिखाएंगे, मगर नीचे की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले इंजन की बात करते हैं। 125 सीसी का आपको इंजन मिलता है, जो कि 9.92 PS पावर और 9.7 NM टॉर्क जनरेट कर रहा होता है। बड़ा एयर फिल्टर साथ के अंदर, यहाँ से जैसे आप ऐसे खींचेंगे वैसे ही पीछे वाले पैसेंजर के लिए फुटस्टेप निकल जाते हैं, जब जरूरत ना हो बंद कर दो, एरोडायनामिक्स क्यों खराब करें। सेम टाइम पर आपको इसमें किक भी मिल रहा होता है, तो इन केस अगर आपको स्कूटर किक से स्टार्ट करना हो तो किक से कर लो, नहीं तो मेन स्टैंड तो है ही ना। और अभी वैसे ये इस यूनिक स्टैंड के ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जैसे आप इस तरफ आएंगे वैसे ही 3-wall टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखी हुई, और उसके साथ में पीछे की तरफ कुछ इस प्रकार की ग्रैब रेल, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हम जैसे स्टंट राइडिंग वाले इस पे पैर रखकर व्हीली वगैरह करें ऐसा लगता है उसी के लिए बनाए। सेम टाइम एक्सटेंडेड मडगार्ड, जिसके साथ में यहाँ पर कुछ इस प्रकार के हैलोजन बेस आपको इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं। पीछे की तरफ मिलता है आपको मोनो सस्पेंशन और उसके साथ में अच्छा बड़ा साइज का मडगार्ड, नंबर प्लेट लगाने का स्टैंड। और कमेंट करके मुझे बताना कि ये लाइट का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, थोड़ी सी यूनिक खूबसूरत सी लाइट है। जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे ही कुछ चीज़ और नोटिस करोगे। सबसे पहले अलॉय का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन आपको मिलता है, 130 ATR 12 के पीछे की तरफ आपको टायर। सो आगे 120 पीछे 130,
140 किसी बाइक में आ रहा है जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है। आप सोचो 140 उसके अंदर टायर आ रहा है और इसमें 130 आपको मिल रहा होता है। ओनली 125 सीसी के स्कूटर में एक हिंट और दे देते हैं, वो जो बाइक लॉन्च हुई है 140 टायर सेक्शन की, उसमें 400 सीसी का इंजन है, यहाँ तो 125 है। तो आप सोच सकते हो ना, बड़े टायरों का जिनका शौक हो। सेम टाइम पर यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा एग्जॉस्ट, जिसके ऊपर एग्जॉस्ट कवर और उसके साथ में कुछ इस प्रकार का दिखता है डिजाइन एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो ना यहाँ से इसको आपको ट्रंक दिखा देते हैं। सो ये रही चाबी और आपको दिखाते हैं यहाँ का स्पेस। सो सबसे पहले 6.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है, अच्छा खासा डिसेंट स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। अब दिखाते हैं आपको कॉकपिट, क्योंकि कॉकपिट की भी तो एक ब्यूटी है। तो यहाँ से चाबी लगाई, कुछ इस प्रकार की आपको चाबी मिलती है। सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ यही है, एपरेला की खूबसूरत सी चाबी यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपने लगाई। जैसे आपने ऑन करा, लाइट ऑफ करते हैं, वैसे कुछ इस प्रकार का आपको मीटर दिखता है। रेड इंसर्ट इसमें भी आपको दिखता है, जहाँ पर आपके पास में ट्रिप ए ट्रिप बी जैसी बाकी जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी आ जाती है। सेम टाइम यहाँ पर स्पीडोमीटर आपको एनालॉग में मिलता है। अब इस पर लिखी हुई स्पीड तो आपकी 140 किलोमीटर पर आर की है, पर मुझे लगता है 80-100 तो ये रैंडमली चला जाता होगा। अभी तक हमने स्कूटर चलाया नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्ले वेरियंट है। आई रियली विश समडे हम इस स्कूटर को चला के एक्सपीरियंस करें। इधर की तरफ हमारे पास सेल्फ का बटन आ जाता है और उसी के साथ में यहाँ पर हमको मिल जाता है इसके अंदर बहुत ही ग्रिपी एक्सेलरेटर। साथ के अंदर मिलता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार के साइड मिरर्स, जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही लाइट के हाई बीम और लो बीम करने का स्विच, इंडिकेटर्स और उसके साथ में हॉर्न। अब हम क्या करते हैं, हम एग्जॉस्ट तो सुना नहीं सकते क्योंकि मेन स्टैंड पर लगा, हम सिर्फ स्कूटर को हल्का सा स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्कूटर स्टार्ट है, बस हम एग्जॉस्ट इसलिए नहीं सुना सकते क्योंकि ये इसी के ऊपर लगा हुआ है, तो अगर हमने कोशिश भी करी तो ये कहीं और भाग जाएगा जो कि हमें नहीं करना है ऐसा। अब आप फ्रंट वाली जो लाइट है उसकी रोशनी आप लोगों को दिखा देते हैं, एंड सेम टाइम जो इंडिकेटर्स हैं उसकी भी आपको रोशनी दिखा देते हैं। सो कुछ इस प्रकार के इंडिकेटर की रोशनी है, पीछे की तरफ कुछ इस प्रकार के इंडिकेटर्स की रोशनी है। टेल लैम्प जो है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो भी ये वैसी की वैसी, मतलब अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा जल रही है, मतलब इसकी रोशनी ज़्यादा है। अब कैसा स्कूटर लगा, क्या यूनिक लगा या नहीं लगा, वो तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो ही हमें पता चलेगा। और आई रियली विश कि आप हमें जल्दी से कमेंट करो। 1,15,000 रुपीज़ की कॉस्ट में ये आपके पास में स्ट्रॉम आ रहा होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हमें दिखने में स्कूटर बहुत ज़्यादा यूनिक लगा और आई रियली विश कि अगर आप लोग भी इस स्कूटर का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप मोटोप्लेक्स आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक डाल देंगे, एड्रेस वगैरह डाल देंगे। तो आओ स्कूटर को एक्सपीरियंस करो, इनको परेशान करो, बहुत सारी चीज़ें जानो। और अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो भाई लोगों चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलता है ऐसे सारे कॉन्टेंट को लाने के लिए, भागने के लिए। सेम टाइम अगर आपके भी कोई दोस्त मित्रगण गर्लफ्रेंड एक स्कूटर ढूंढ रहे हैं तो आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि उन लोगों के पास में एक यूनिक सा ब्यूटीफुल सा स्कूटर आ जाए। बाकी तो अपना ख्याल रखना, ऐसे ही ब्लॉग्स में हमारे साथ शामिल रहना और ऐसे ही कंटेंट इंजॉय करते जाना। तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में और ऐसे ही अद्भुत कंटेंट लेकर आते रहेंगे। मगर उसके लिए कमेंट तो करो, अगर आप हमें बोलोगे कि नहीं इसका येलो कलर दिखाओ तो दिखाएंगे ना आप लोगों को येलो कलर, पर उसके लिए कमेंट तो करो कम से कम। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय, ख्याल रखना अपना और मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय बाय।